पहले से मौजूद और हमेशा के लिए रहने वाले विचार और आपका बिजनेस, इसके बारे में मैं बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्तन्य हूँ और एक बिजनेस कोच, बिजनेस ट्रेनर भी हूँ। मैं पर्सनल ट्रेनिंग भी करता हूँ। अभी तक सैकड़ों लोगों को बिजनेस कोचिंग दिया हुआ है। इसमें एक मुझे आपको बताने का है, जो व्यवसाय करते, जो प्रोफेशनल्स है, बिजनेसमैन है, कि वो हमेशा के लिए एक विचार लेके चलते हैं और वो विचार जब तक वो निकालेंगे नहीं, तब तक आपकी तरक्की होंगे नहीं, धंधा बढ़ेगा नहीं। ये विचार कौन से हैं दिमाग में आने वाले, और वो 24 घंटे चलते रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार दो बार आते हैं। विचार कौन से हैं? विचार ऐसे है कि धंधा करना बहुत कठिन है, धंधे में बहुत लागत रहती है, धंधे में बहुत नुकसान हो जाता है, फिर धंधे में लोग कोऑपरेट नहीं करते, धंधा करने के लिए अच्छे लोग नहीं मिलते, बिजनेसमैन जो है उसको बहुत काम करना पड़ता है, हार्डवर्क करना पड़ता है, अच्छे लोग मिलते नहीं, अच्छी टीम तैयार होती नहीं है। फिर अपने बारे में कुछ विचार रहे थे कि नहीं, मैं छोटा हूँ, मुझे इतना अच्छा धंधा करना नहीं आता है, फिर मैं अड़ानी हूँ, मुझे तो ऐसा कोई धंधा करने का ट्रेनिंग मिला नहीं था, या मेरे माँ बाप ऐसे कोई बिजनेस में नहीं थे, मैं छोटा हूँ, मैं अनाड़ी हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं छोटे गांव में हूँ, तो ये भी बातें दिमाग में चालू रहती है। ये आपने बहुत सारा डाउनलोडिंग करके रखा हुआ है दिमाग। लोग भी आपके पास में आएंगे, कस्टमर भी आएंगे, वेंडर्स भी आएंगे, डेटर्स भी आएंगे, जो भी लोग आपके पास में आएंगे, नहीं ये मेरे को फंसा देगा, ये मेरा चेक देगा नहीं, इसका चेक बाउंस हो जाएगा, इसके पास में तो कैश ही नहीं है, ये अच्छा आदमी नहीं है, कस्टमर बहुत तकलीफ देते हैं, मतलब ऐसे ये विचार बिजनेसमैन के मन में आते रहते हैं और ये कंटिन्यूसली हमेशा के लिए पहले से मौजूद रहते हैं, धंधा चालू करने के पहले से भी। और ये यदि विचार आपके दिमाग में है तो बिजनेस आगे बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ये विचार आपको पीछे खींचते रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये विचार निगेटिव है, जो आपको अतीत में धक्के बैठे हुए, अतीत में फटके बैठे हुए, अतीत में जो आघात बैठे हुए हैं, वो भी दिमाग में बार बार आते रहते हैं और वो भी आपको तरक्की करने से रोकते रहते हैं। धंधा करना बहुत कठिन है, किसी से कर्जा नहीं लेना चाहिए। कर्जा करके यदि बिजनेस करते हैं तो अच्छा नहीं है, कर्जा करके बिजनेस डूब जाता है। काफ़ी सारे ऐसे विचार, काफ़ी सारे ऐसे पूर्वग्रह दूषित विचार बिजनेस के बारे में लोगों के रहते हैं। जो आपके साथ में काम कर रहे, जो आपकी टीम है, उनके बारे में आपके विचार है, ये तो गधा है, ये नालायक है, इसको अक्ल नहीं है, ये काम नहीं करेगा, वो चालू रहता है दिमाग में, ये तो मूर्ख है, लोग मेरे को सपोर्ट नहीं करते, ये मेरी टीम जो है ना, सारे हकल देना चाहिए इनको, मतलब ऐसे इस तरह के विचार आपके दिमाग में रहेंगे, आपके टीम के बारे में भी। फिर इसमें जब ऐसे विचार चालू रहते हैं तो ये विचार आपकी रोकथाम करते रहते हैं, ये विचार कंटिन्यूस ऑनगोइंगली आपके दिमाग में चालू रहते हैं 24 घंटे। 50,000 से 60,000 थॉट्स दिमाग में आते रहते हैं। कुछ विचार ऐसे रहेंगे कि नहीं, मार्केटिंग करना अच्छा नहीं है, मार्केटिंग में बहुत पैसा खर्चा होता है, मार्केटिंग करने से नुकसान होता है, सेल्समैनशिप करना, सेल्स मतलब माल बेचना, ये अच्छा नहीं है, लोगों को फंसाने वाला कार्यक्रम है, मैं तो लोगों को फंसा नहीं सकता, व्यापार मतलब लोगों को फंसाने का कार्यक्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपके विचार है। तो ये विचार आपके अंतर्मन के विचार है, ये विचार एक्चुअली नहीं है, मगर ये विचार आपको पीछे खींचते रहते हैं। और इसके साथ साथ फिर आजू बाजू के जो लोग हैं आपके, वो भी आपके दिमाग में निगेटिविटी डालते रहते हैं, फिर वो भी अपने दिमाग में बैठे रहते हैं, मेमोरी बैग में वो सब जमा हो जाते हैं विचार, पिछला अनुभव, लोगों के विचार, लोगों का कहना, अपने थॉट्स। तो ये जो है ये आपको रोकेगा, ये पूर्वग्रह दूषित है, ये पहले से ही बैठे हुए हैं दिमाग में और ये आपको आगे कभी जाने देंगे नहीं। तो आपको फिर करना क्या है? आपको यही करना है कि भाई जो भी ऐसे विचार आते हैं उसको एक्नॉलेज करना, उसकी नोन लेना, ठीक है भाई ये विचार है, सत्य है? बिल्कुल नहीं है, ये विचार मेरे अंतर्मन के है, ये ऑटोमेटिक आ रहे हैं, ये एक मेरी दिमाग की छोटी आवाज़ है और वो आवाज़ चालू रहती है बिजनेस के बारे में, लोगों के बारे में, नौकरों के बारे में, भाई बहन के बारे में, वातावरण के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने शहर के बारे में। तो ये अंदरून आवाज़ आती रहती है और वो विचारों को एक्नॉलेज करना, वो जैसे है वैसे ठीक है, और मैं अभी ये है तो ठीक है, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, क्या संभव है, एक्चुअली तो हुआ नहीं, नहीं ये तो अंदर से दिमाग में से विचार आ रहे हैं, एक्चुअली हुआ है क्या वो, एक्चुअली तो कुछ हुआ नहीं है, ये तो विचार आ रहे हैं, तो उसको एक्नॉलेज करना, उसको साइड में रखना,
और नई संभावनाओं का निर्माण करना। ये नई संभावना आप निर्माण करते हो, ठीक है मार्केट टाइट है, ओके प्रॉब्लम नहीं, फिर क्या अभी क्या संभव है। अच्छा लोग सपोर्ट करते हैं, ओके ठीक है, फिर अभी क्या करते हैं। अच्छा नौकर मेरे जो है ना वो कमी नहीं है, ठीक है अभी क्या करते हैं। एक्चुअली तो कुछ हुआ नहीं है, तो उसको एक्नॉलेज करना, बाजू में रखना और नई एक्शन में क्या ले सकता हूँ, नया क्या कर सकता हूँ वो देखना और वो करना, वो महत्व का है। वो यदि आप करेंगे तो आपको, और क्या होता है कि प्रॉब्लम होने के विचार आते हैं, प्रॉब्लम यह है कि जो विचार आते हैं वो आपको सत्य लगता है, वो लगता है कि वही है वही सत्य है, और वो सत्य नहीं रहता है। मैं मार्केटिंग करूँगा तो लोग मुझे अच्छा बोलेंगे नहीं, कहाँ लिखा है ये, लोग अच्छे नहीं बोलेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है, ये आपका विचार है, ये सत्य नहीं है, ये दुनिया का विचार नहीं है। हाँ किसी ने बोल दिया होगा आपको, तो किसी ने बोला होगा ना, मैं आपको बोलता हूँ डेफिनेटली जो आपके दिमाग में चलता है वही लोग आपके तरफ आके बोलेंगे। दिस लॉ ऑफ प्रोजेक्शन, वो प्रोजेक्ट होता है बाहर और वो लॉ ऑफ प्रोजेक्शन से लोग बोलना चालू करेंगे आपको, आपके दिमाग में जो है वो लोग अट्रैक्ट होना चालू हो जाते हैं आपके तरफ। तो उसका एक्नॉलेज करो, बाजू में रखो और नए विचार करो, आपका बिजनेस कई गुना आगे चले जाएगा। थैंक यू वेरी मच।